बनना चालू हो गया है, तो आज दोनों दोनों लगे हैं खाना बनाने में। तो आज इन्होंने बिरयानी की रेसिपी बता दी है, तो फाइनली अपनी बिरयानी जो है आ चुकी है। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सुबह की शुरुआत अपनी अच्छी खासी हो गई है, और सुबह की शुरुआत में उठते ही साथ ही हमने बनाई है चाय। और वहाँ पे कुछ लड़के हैं, वहाँ पे शिकार कर रहे हैं, चिड़िया उड़ियों को मार रहे हैं। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, बर्ड्स लोग इन लोग का क्या बिगाड़ है जो इन लोग मारते हैं, इन क्या बोलेंगे सबको। चाय बनाते हैं, अपन चाय इन्जॉय करते हैं, चाय बनती है। छानते हैं और मिलते हैं सीधे सीधे टेबल पे। तो दोस्तों, अभी का टाइम हो गया है, ढाई बज गए होंगे, ढाई बज गए। आज मैं ब्लॉग उठा के किया ही नहीं। सौरभ भैया और अपने जितेंद्र भैया को बहुत लोग जानते होंगे अपने, तो जितेंद्र भैया और सौरभ भैया से काफ़ी टाइम से बात हो रही थी। बात होते होते पता ही नहीं चला कि मैं नहाया नहीं हूँ, मेरे को नहाना भी है, बहुत सारे काम थे, लेकिन बात करते करते कुछ पता ही नहीं चला। तो मैं तो बात कर दिया, उसके बाद उठा तो सीधा नहाया। नहाने के बाद अब मेरा एक ही काम बचा है कि खाना यहाँ पे रेडी हो गया था, तो खाने में क्या बना है वो देखते हैं। खाने में बना है कोफ्ता लौकी का। दिख तो अच्छा रहा है, लेकिन टेस्ट करने से ही पता चलेगा। तो यहाँ पे राइस, तो अभी इसको सबको ले जाने का काम अपना है, एक एक करके ले जाते हैं, क्योंकि कैमरा भी पकड़े हैं हम। और कल वाली वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है, बस है यही प्यार तो चाहिए यार आप लोगों का, कि लॉकडाउन में भी कम से कम आप लोगों को एंजॉयमेंट के लिए वीडियो मिल रहे हैं। तो आप लोग काफ़ी प्यार दीजिए यार, ऐसे कैसे छेली गई, बहुत ज़्यादा गर्म। तो फाइनली हमारा खाना जो है लग चुका है, तो नैना जी भी नहा के आ जाएंगी, उसके बाद खाना खाएंगे और मौज लेंगे। खाली था, चलो तो खाना ले जाके रख दिए हैं, खाना खाते हैं। और आप लोग वीडियो में आ गए, तो आप लोग वैसे एक बार पूछ भी लेते हैं, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप भाई की तरह एकदम मस्त होंगे और एकदम मस्ती रहना है। तो आज कुछ एक्टिविटीज में देखते हैं क्या होता है। बाकी नया जी भी नहा के आ गए हैं, तो भूख काफ़ी ज़ोर से लग रही है, बात करते करते पता ही नहीं चला कि भूख भी लगती है। तो अभी लग रही है तो अभी खाएंगे, और टी वी चालू कर लिए, ये टाइम पास का लॉकडाउन में बहुत बढ़िया जरिया है। अभी का टाइम हो गया, 6 बज गए हैं, मेरे को लग ही नहीं रहा कि 6 बज गए हैं। मैं घर में था, मूवी देख रहा था, मूवी देखते देखते नया जी को उठा दिया मैं सोते सोते। मैं बोला चलो जाएंगे, लेकिन मूवी जो मूवी देख रहा था ना, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट ना लास्ट में, मूवी मज़ेदार थी, इसलिए मैं बोला रुको। लेकिन वो बोली टी वी बंद करके जा रही हूँ, चलो। तो मैंने बोला तुम चले जाओ अकेले, क्योंकि घर में कुछ सामान वामान लेना था, सब्जी वब्जी लेनी थी, तो अकेले स्कूटी लेके चले गए और हम जो है ना फिर से घर में ही रुक गए। तो अभी कुछ नहीं करते हैं, अब मैं थोड़ा सा देखता हूँ, टहल वहल लेता हूँ, ब्लॉग भी आके कंटिन्यू करना है तो करते हैं बाकी। ठीक है यार, मेरे को लग ही नहीं रहा कि 6 बज गए हैं, 6 बजे भी इतना उजाला है यार, मतलब क्या ही बोलो। मैं सोचा अब टहल के आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि करने को कुछ है नहीं, तो यही सही है। अब पुत्र आ चुके, क्या है, क्या क्या लाए, क्या क्या लाए, हैं कहाँ गए थे, इधर तो गए नहीं थे मार्केट, लेकिन ये गई थी। तो ये लेके क्या क्या आई है पता है, बैंगन, ये वो भरवा के लिए बैंगन, इसका सब्जी बहुत अच्छा है, बैंगन, भिंडी, इधर चाय रेडी हो रही है। ज्यादा कुछ मिल नहीं रही है, सब्जी बोला मार्केट में है ही नहीं, सब्जी तो है लेकिन लगाने नहीं दे रहे ना, लगाने का बात नहीं, सब्जी आई नहीं रही है, तो मार्केट में सब्जी नहीं है। और देख लो कैसे चलाना है, सब्जी नहीं मिलेगी, वो सब मिलेगा अभी लॉकडाउन तो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भिंडी ना फ्रेश है एकदम, मतलब ये तो घर से तोड़ी है वो, हाँ बस जो तोड़े हैं वही मिल रहा है, कुछ नहीं। चलो ठीक है, लेकिन उन लोग का बेचारे लोग का रोजी रोटी चलना चाहिए, गांव वाले लोग कहाँ से लाएंगे, नहीं तो सब्जी यही है, कुछ और है नहीं। ठीक है चलो कोई नहीं। और रायपुर और जगदलपुर में तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि वहाँ पे जो ठेले वाले होते हैं ना, सब्जी वाले भैया लोग, वो ठेला लेके हर गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या रहे ना, उन लोगों को सब्जी की दिक्कत नहीं हो रही है, सब्जी इजिली मिल जाती है। टमाटर तो जगदलपुर हम लोग गए हुए थे तब लेके आए थे, तब से अभी तक चल रहा है। ठीक है खा लेते हैं, लेने तो गए नहीं, मूवी जगह इम्पोर्टेंट। आज रात हो गई है और अभी का टाइम हो गया है 9:26। आज के ब्लॉग में कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज कुछ है ही नहीं तो ब्लॉग नहीं डालूंगा, लेकिन फिर मैं बोला
सुबह से मैंने इतने सारे वीडियो शूट किए हैं तो क्यों ना डाल दिया जाए। तो अभी हमारे यहाँ बना रहे हैं हम मटन बिरयानी। मटन बिरयानी की रेसिपी क्या होती है, मटन बिरयानी की रेसिपी हम आपको बताएगा। तो यहाँ पे सारे मेहनत, ये वाली सारे मेहनत के काम हमने किए हैं, प्याज व्याज कटिंग करके। अब बस ये भूंज लेते हैं प्याज रेड होते तक। और यहाँ पे बन रहा है चावल जो कि अब पूरा पक जाएगा, उसके बाद ही यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कुछ बनना चालू हो गया है। तो आज दोनों दोनों लगे हैं खाना बनाने में, क्योंकि मैं आज ब्लॉग नहीं डालूंगा बोल के ब्लॉग एडिट भी नहीं कर किया था। तो अब बोला बिरयानी बन रही है तो कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। वैसे भी है नहीं तो आप लोग फिर बोलोगे कि डेली ब्लॉग दिखाना चाहिए था, तो हम डेली बिरयानी दिखा रहे हैं। कहाँ सीखे? मैं बस स्टैंड। बस स्टैंड? अच्छा, मैं सोचा बस स्टैंड में पहले ठेला लगा। देख लो आप, फर्स्ट टाइम। तुम बस स्टैंड में ही ठेला लगा? और आप वो बर्तन धोते थे वहाँ पे? मैं धोता ही नहीं था। धोते थे तभी तो पता है कि मैं ठेला लगाती थी। देखिए ठेला लगाती थी, एक्सेप्ट ना, बाकी तो अपन काट देंगे। बर्तन धोते हैं ना, बाकी तो कट जाएगा। यहाँ पे चल रहा है बिरयानी का प्रोसेस। आज रेड होने के बाद निकाल लेते हैं, जैसे कि ये बस दिखा रही है हमको। तो हम मुझे नहीं आता है, फर्स्ट टाइम है। अच्छा, ऐसा ही क्या? चलो कोई नहीं, बस देखा है बनाते हुए। तो अभी बिरयानी कंप्लीट होती है, उसके बाद मिलते हैं अपन आपको। तो बस अभी बिरयानी का जो पूरा रेसिपी है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे अपना मटन इसमें रेडी हो रहा है। और ये कैसा, कैसे बनाते? जो मसाला है सब मैं उसको ऐड कर दिया था, खास तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पे इतनी सजावट के साथ जो बन रहा है ना, ये देखो कलर रायता। मैं देखी हूँ बस घर के। ये अभी अभी पूरा सर्वे मार रही हैं, तो अभी यहाँ पे बस अच्छा नहीं बने तो दोबारा फिर बोलेंगे। प्रैक्टिकल चल रहा है जब तक ये बनता है, उसके बाद अपन आपको बताते हैं। क्योंकि यही है बन, कुछ नहीं तो कुछ सही, भूख तो लगेगी। और रात काफ़ी हो चुकी है और अभी अभी हमने बनाना ट्राई किया, बनाना चालू किया है। वो भी फर्स्ट टाइम बिरयानी बना रहे हैं। वैसे हम लोग बिरयानी ज़्यादा पसंद नहीं है हमको, मुझे भी पसंद नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी में जो चीज़ पसंद नहीं होती है फिर भी लोग एक बार तो करते हैं ना, इसलिए हमने भी आज एक बार किया। अभी देखते हैं कितना तक रेडी हुआ है, कितना परसेंट रेडी हो गया। कुछ ज़्यादा ही अच्छे सजा के रखे हैं। देखो ये सारे मटेरियल्स ऊपर से डालने के लिए हैं, ऊपर से डालने के हैं जब बिरयानी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कुछ सीन है। और अपन दोनों का भी फेस थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने लाइट लगाई थी, थोड़ी तकलीफ हो रही थी क्योंकि किचन में ना थोड़ी सी लाइट की दिक्कत है। किचन में लाइट की थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है कोई नहीं। और ये कल के लिए हमने यहाँ चना भिगा के रखा हुआ है, कितने लोगों का फेवरेट है बताइएगा। बाकी क्या है इसमें, राइस, और वो अभी कम्प्लीट नहीं हुआ। इंतजार, और क्या क्या बोलना चाह रहे थे? क्या बनने से अच्छा लगेगा तो फिर रेसिपी बताऊंगी आपको। नहीं अभी क्या क्या किया वो बता दो ना। अरे थोड़ा सा ऐसे रख दो लाइक फेस। क्या बजेगा? 1 2 3 1 2 देखे बज गया। ये देखो सीटी यहाँ ने बोला। और तुम बताओ क्या क्या डाले हो इसमें? मीट में मैं डाली हूँ जोर से थोड़ा दही, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, चिकन मसाला, बिरयानी मसाला, सबको मिक्स कर बस। और राइस इसके लिए अलग से बनाना है। तो आज इन्होंने बिरयानी की रेसिपी बता दी है। वैसा नहीं बताई हूँ, मतलब प्याज में मिर्ची में उसको तेल में फ्राई करके भी पका रही हूँ। हाँ तो वो मतलब नहीं, बहुत सारा इसका ज्यादा डल रेसिपी बहुत है इसका, पर मुझे आता नहीं है इसलिए मेरे हिसाब से मत बनाना। ओके, मैंने सोचा कि आप लोग बोलते ही हैं कि भैया ये रेसिपी वो रेसिपी, तो किचन में फैन लगा। किचन में फैन तो नहीं लगेगा, लेकिन एक लाइट लगवानी पड़ेगी क्योंकि लाइट की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ओ चलो बिरयानी कंप्लीट होगी तो अब फाइनल टच देंगे, ठीक है, सजा के दिखाएंगे आपको। चलो तो बिरयानी का फाइनल टच शुरू। क्या बोलती बनता, ऐसे करके कुछ बिरयानी को सजाते हैं, हमको तो पता ही नहीं था, हमने तो पहली दफ़ा देखा है भाई। हम तो इसको तरी में बना के खा लेते हैं अभी तक। उसके बाद खाएंगे। हाँ बस खाएंगे ना। तो अब फाइनली बारी आ गई है इस मसाले की, क्योंकि इससे ऐसे करके कुछ सजाया जाएगा। वाओ,
क्या दिख रहा है यार, यारू कलर भी ऐड हो गया इसमें, तो और ज्यादा अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। तो गैस बिरयानी अपनी ऐसे कुछ सज चुकी है, उसके बाद 2 मिनट भाप में रखेंगे, भाप में रखने के बाद निकालेंगे और खाएंगे, ठीक है चलो। तो फाइनली अपनी बिरयानी जो है आ चुकी है और क्या खूबसूरत सी लग रही है। वेट, भूख लग रही है, अब खाना निकाल दो यार, बहुत हो गया। ये बिरयानी क्या बात है। तो गाइस यहाँ पे बिरयानी अपनी निकल चुकी है, खाना भी लग चुका है, तो अपन बिना देरी करते हुए अभी इसको खाते हैं, क्योंकि बिरयानी का खुशबू से पता चल गई कि अच्छी बनेगी। और तो अपन करते हैं इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो करना कुछ नहीं है, प्यार से लाइक, प्यार से कमेंट, और अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलते हैं कल वाली इतनी बढ़िया सी वीडियो में, बाय, टेक केयर। और आप लोग एक बार बता के जाइएगा कि रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है, चलो बाय।